एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने आप में और हमारे इंपैक्ट और क्लाइमेट, जलवायु का प्रभाव किस चीज का जरूरत प्रभाव, जो भी हम विचार बोधन एनर्जी कंजम्पशन करने में विचार बोधन की इंपैक्ट होता है क्लाइमेट क्लाइमेट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। आपको पता है कि जो मैक्सिमम एनर्जी हम यूज करते हैं, इसमें से हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बिजली से होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द कोयला, क्या है किसी
ठीक है। अब ओजोन परत क्षरण या फिर किसी ग्रीन मोस्टर को ग्रीन हाउस इफेक्ट इस सब के पीछे जो रिस्पांसिबल है बच्चों के दिमाग में से या फिर हम स्टार्ट करते हैं गैस के माध्यम से उससे जो है हम ये चीजें करते हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कर। मान लो ये हमारे पृथ्वी ठीक है, इस सरफेस से बहुत सारे बायोमेटिक गैस का नाम है क्या है ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा जो वायुमंडलीय परत होती है ठीक है। अब जो वायुमंडलीय परत होती है उसमें कई सारे परत सबसे
सबसे नीचे जो रूप है हमारा वो होता है ठीक है शुभ रूप उसके ऊपर होता है सबसे पहले क्या होगा उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर उसके बाद तो मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे स्ट्रेटोस्फीयर सबसे ऊपर सबसे बाहर जो है सबसे बाहर बजट सबसे बाहर सबसे पहले नाम से भी ये पहले बाहर है ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर
स्टेटोस्फीयर में जो होता है ये आपका स्टेटोस्फीयर है, लेकिन इसके बीच में होता है इसके थोड़ा सा पास में स्टेटोस्फीयर जो होता है वो कैसे हमारा स्टेटोस्फीयर का कुछ नहीं है, हमारा स्टेटोस्फीयर नहीं है लेकिन इन दोनों थोड़ा सा पास में होता है, ठीक है, थोड़ा सा पास में होता है स्टेटोस्फीयर ठीक है। और गैस एक्सपोजिबल है CFC इसको नोट डाउन करो, इसको समझो। Morning in progress.